लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कई सियासी उतरपुल देखने को मिलती है। उसी बीच पूर्व मंत्री अनिल देशमुख ने एक बैनर लगाया है जिस पर लिखा हुआ है कि विदर्भ में चमत्कार होगा, जिसका जायजा लेते हुए हमारे संवाददाता ने कुछ कार्यकर्ताओं से बात की है। गौरतलब है कि पूर्व मंत्री अनिल देशमुख द्वारा लगाए गए बैनर के कई मतलब निकाले जा रहे हैं। आखिर इस बैनर का क्या अर्थ है, यह तो भविष्य की गोद में है। जहां अनिल देशमुख के घर के बाहर स्पष्ट मराठी में लिखा हुआ है कि विदर्भ में चमत्कार होगा, जिसके चलते हमारे संवाददाता ने कुछ कार्यकर्ताओं से बात की। आइए देखते हैं आखिर क्या कहा उन्होंने। दर्शकों, देश में लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं और उसी बीच कई सियासी गतिविधियां देखने को मिल रही है और उसी बीच इस वक्त हम मौजूद है पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के घर के समक्ष, जहाँ की स्पष्ट रूप से बैनर लगाया गया है। आप जिस प्रकार से देख पा रहे हैं, विदर्भ चमत्कार घनार, मतलब जो है कुछ मिराकल होने वाला है विदर्भ में, ऐसी प्रतिक्रिया जो है मंत्री अनिल देशमुख इन्होंने दी है, तो जिसका काफी गहन अर्थ भी हम इस वक्त निकाल सकते हैं। कुछ कार्यकर्ता हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, क्या बताना चाहेंगे, किस प्रकार की जो है पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने जो बैनर लगाया है उस पर क्या बोलना चाहेंगे आप, किस प्रकार का चमत्कार आपको प्रतीत हो रहा है? इस वक्त का जो इलेक्शन हो रहा है, ये देश के संविधान के बारे में और देश की जो बेरोजगारी, युवकों की बेरोजगारी, महंगाई, इस दिशा में इलेक्शन हो रहा है और 10 साल के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो वादे किया है वो वादे का उसने पालन नहीं किया। बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, काश्तकारों के बहुत बुरे हाल है, काश्तकारों के मालों को भाव नहीं है और झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, और अनिल बाबू के साथ में जो अन्याय हुआ है, विदर्भ में एक तरफ इलेक्शन हुआ है, एक तरफ लोगों ने वोटिंग किया है, विदर्भ के 10 सीट में से 9 सीट आने की चांसेस सिस्टम है और अनिल बाबू के कर्तव्य और अनिल बाबू की मेहनत की वजह से विदर्भ में बिल्कुल चमत्कार होने ही वाला है। क्या बताना चाहेंगे आयु के तबादले, आप जिस प्रकार से आपकी जिस आयु के हिसाब से इस काफी जो है धूपकाले आपने देखे हैं, काफी ऋतु आपने देखे हैं, क्या लगता है विदर्भ में इस बार सच में मिराकल होगा और जिस प्रकार से जो बैनर लगाया है वो कहीं ना कहीं प्रतीत होगा और कहीं ना कहीं शाश्वत होगा? नहीं, जरूर इस वक्त विदर्भ में सीटें ज्यादा से ज्यादा आएंगी और ये जनता ने बहुत अच्छा एक निर्णय लिया कि जनता की मेहनत से कामयाब जरूर होगी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, ये हमारे को। दर्शकों, ज्ञात हो कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार गुट के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के घर के समक्ष जिस प्रकार से जो है बैनर लगाया हुआ है विदर्भ में विदर्भात चमत्कार घड़नार, अर्थात विदर्भ में कहीं ना कहीं मिराकल होने वाला है, ऐसी कहीं ना कहीं जो है प्रतिक्रिया अनिल देशमुख ने इस बैनर के माध्यम से दी है। तो देखते इसका असर क्या आगामी लोकसभा चुनाव में होता है। कई जो है कई प्रत्याशियों के भविष्य मतदान पेटी में कैद है और उसी बीच जो है देखना यह रोचक रहेगा कि मतगणना के दिन क्या सच में विदर्भ में मिराकल होता है, क्या सच में विदर्भ में चमत्कार होता है। कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ मैं मनीष टेमरी, NBC News के लिए नागपुर।